मुरादाबाद के थाना डेलारी क्षेत्र में चुनावी रंजिश के चलते एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक किसी काम से बाहर जा रहा था, तभी घात लगाए बैठे दबंगों ने युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना ये घटी थी, सुबह फजर की नमाज पढ़ के घर आ रहे थे। कौन आ रहे थे? हमारे अब्बू। ठीक है, फिर क्या हुआ? घर से ये दुकान पे गए थे नाश्ते का सामान लेने के लिए। नबिया खेत पे से आ रहा था अपने लड़कों को लेकर ट्रैक्टर से। इसने पहले लड़कों से पूरी जानकारी कराई कि देखो ये किधर है। लड़के उतर गए उसके पीछे ही, और नबिया जैसे ट्रैक्टर लेकर आया उसने ट्रैक्टर से उतर कर गंडासा लेकर 3 दफे गर्दन पे पीछे से गंडासा मार दिया। पीछे से वार किया? जी, पीछे से वार किया है। इस समय वो हमारे कोसमोस में। अच्छा, पुलिस आई थी? जी, पुलिस आई थी। पुलिस ने क्या किया, पूछताछ की? घर पे नहीं है कोई भी, उसके ताले लगे हुए हैं। जी, और आपसे पता करा कुछ? जी। तो अब आप क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं सर। इंसाफ चाहते हैं? जी। इसने पहले भी मारने की कोशिश करी थी, ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करी थी। अब 8 दिन पहले भी, 2 साल पहले भी। ये जो घटना घटी है जी, वजह तो होगी? वजह सर ये थी, इसकी इलेक्शन की वजह थी। राजनीतिक वजह? जी, राजनीतिक वजह। इसने हमें इलेक्शन क्यों नहीं लड़ाया? नबिया के दोनों भैया भी हैं, ये 3 भैया हैं और इसके लड़के हैं। इस घटना में कितने लोग सम्मिलित हैं? लगभग 6-7 जने हैं। 6-7 लोग? जी, जो पहले से 3 दिन से भी अभी बराबर जानकारी करते रहे हैं कि ये किधर है अकेला। इन्होंने सुबह मौका देखा है कि नमाज पढ़कर आ रहे थे। तो पुलिस विभाग के कौन कौन अधिकारी आपके पास आ चुके हैं अब तक? काफ़ी आ गए हैं सर, काफ़ी आ गए। जी हाँ, बात चल रही है। ठीक है।